एशिया कप सुपर फोर मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दे दी। 357 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 32 ओवर्स में 128 रन ढेर हो गई। नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आ सके। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान 27, आगा सलमान 23, शादाब खान 6, इफ्तार अहमद 23 और फहीम अशरफ 4 रन के मेहमान साबित हुए। शाहीन अफरीदी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेट हासिल की। गोल न्यूज की एशिया कप पर खसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप के बकिया मैचेस में नसीम शाह और हारिस रऊफ की शिरकत मशकूक। शाहनवाज थानी और जमान खान को बैकअप के लिए तैयार रहने की हिदायत। जरूरत पड़ने पर श्रीलंका रवाना होंगे। पाक भारत मैच में कई रिकॉर्ड बन गए। विराट कोहली ने वनडे कैरियर में तेज तरीन 13,000 रन मुकम्मल किए। भारत ने पाकिस्तान को वनडे की तारीख में भारी मार्जिन 228 रन से हराया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। मुसलसल 8 फतूहात के बाद कौमी टीम हारी। नई इंतजामिया, नया जोश, नया बलबला, नई उमंगे एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ। बोल ने नए सफर का आगाज कर दिया। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, अज़्म जाहिर किया। बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेर इंतजाम वलवले जोश के साथ सफर जारी रखेगा। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं। यकीन रखते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को तरक्की के यकसर मौके मिलने चाहिए। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम के ताकतवर जराए इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्युनिकेटर के मसाइल उजागर करने के लिए नाजरीन को बाख्तियार बनाया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख किसी भी वक्त ऐलान मतवक्के। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि आर्टिकल 48(5) और इसका सब सेक्शन ए बहुत वाजे है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर कानून ने दोबारा मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वज़ारत कानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के सवाबदीद करार दे चुकी है। इक्तदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका है। मुईशत की बेहतरी और अवामी मफाद के इकदाम जारी रहेंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बना रहे हैं जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अकलियती बरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। अवाम अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएंगे। £190 मिलियन की गैरकानूनी मुंतकली के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को आज तलब कर लिया। शेख रशीद को सुबह 9:30 बजे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। पेशावर वर्जिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग से हमला। हमले में लायंस नायक अब्दुलरहमान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद लायंस नायक अब्दुलरहमान का ताल्लुक बनू से था।
हमले में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। बुजदिलाना कार्रवाई में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम धमाके के 6 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 1 के सिवा तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, तोरखम बॉर्डर ना खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने बिला इश्तेआल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ज़मीन पर किसी की तामीरात कबूल नहीं, ये इसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। अफगान फोर्सेज की फायरिंग से दहशत गर्दों की हौसला अफजाई होती है। यह अनासर अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तोरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी डॉलर की कीमत में मजीद 4 रुपए कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर फरोख होने लगा। निगरान हुकूमत के मोईशत के हवाले से इकदाम के बाद पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने लगा। G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिस्तान तहरीक का जिक्र। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान तहरीक का मुद्दा उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैनेडा हमेशा आज़ादी इजहार राय और पुरम एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। भारतीय हम मंसब नरेंद्र मोदी से खालिस्तान तहरीक और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे इशूज पर कई बरस में काफ़ी बात हुई है। कैनेडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौकिफ के साथ खड़ा होता है। हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया है। मराकश में बदतरीन जलजिला 2100 अमवात की तस्दीक हो गई। खौफनाक जलजिले से जख्मियों की तादाद 2421 से जायद हो गई। आफ्टर शॉक्स जारी। स्पेन के फिजाइया का खसूसी तैयारा इमदाद देकर मराकश पहुंच गया। रेस्क्यू टीमें भी भेजी गई। मराकश में हुकूमत ने 4 ममालिक बरतानिया, स्पेन, कतर और मुतहद अरब इमारात से इमदाद की अपील की थी। बरतानिया में यूरोपी लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनैद वकास ने चांदी के तमगे जीते। ISPR के मुताबिक यूरोपी लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप दूसरा बड़ा आर्मी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की टीम पहली बार शिरकत कर रही है। 12 ममालिक के 80 से जायद शूटर्स चैंपियनशिप का हिस्सा है। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। पाक अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का जबरदस्त खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी शहीद ने वतन में दिफा की खातिर जान कुर्बान कर दी। वो दौरान जंग दुश्मन के सामने सीसा तलाई दीवार बने रहे। अजीज भट्टी शहीद की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशाल राह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।